हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमति हेल्थ ब्लॉग क्लिनिक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आप फ्रेंड्स, दो तीन दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग डाल देती हूँ। हरिषठ का और जन्माष्टमी है, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी लोगों को। तो दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ काम ऐसा था कि अचानक जाना पड़ा घर, और फिर वहाँ से एक जगह गए, फिर वहाँ से लौटे, ऐसे ही भागा दौड़ दो तीन दिन लगी रही, तो इसलिए फिर हम नहीं जा पाए। तो मैंने कहा चलो अब दो तीन दिन हो गए हैं ब्लॉग नहीं डाला, तो आज ब्लॉग डाल देती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा खास नहीं, बस बैठे थे सब लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस हम किचन में खाना बनाते हैं, हमने खाना बना लेते हैं, पहले चाय बनाई थी, बस बैठे बैठे मैं चाय पी, और इसके बाद फिर मैंने और बाकी काम थे जो किए, फिर अभी निकलना है, वहाँ कहीं जाना है। तो अचानक मैंने कहा चलो सारा काम कर, एक हफ्ते से हो गए बस ऐसे ही भागम भाग लगी हुई है, और कोई अभी काम भी नहीं हो पा, बहुत टेंशन रहती है, जैसे मौसम थोड़ा साफ़ होता तो चलते थे अपने काम के लिए, और कहीं बारिश हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो बीच में जा नहीं पाते, तो ऐसे ही टाइम एक हफ्ते निकल गया है, और अभी बस वही बातें कर रही थी, दिक्कत वही चल रही है। तो इसीलिए तो हमने कहा चलो आज डाल ही दे, दिन तीन चार दिन हो गए, तो जब सब काम से फुर्सत हो जाए, बहुत कोशिश करती हूँ कि डाल दूँ, लेकिन नहीं डाल सकती, क्योंकि इतनी परेशानी हो जाती है, कुछ ना कुछ तो समस्या आ ही जाती है, अचानक बस उसी के काम में लग जाते हैं, और जैसे मौसम साफ़ हुआ तो बारिश होने लगती है, कहीं कुछ हो जाता अचानक से, तो बस ऐसे ही लग जाता है। तो बस हमने कहा चलो फिर खाना वाना बना लेते हैं जल्दी से, इसके बाद फिर निकलेंगे काम कराने के लिए, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है और अर्जेंट है, क्योंकि उसके बिना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो इसीलिए बस हम वही कह रहे थे। और अभी फिर से ससुराल जाना है एक दिन, तो अब देखो किस दिन निकलते हैं, जिस दिन हम सोच रहे हैं मौसम साफ़ होगा तो उसी दिन निकल लेंगे ससुराल के लिए, क्योंकि ससुराल में कई बार बुलाया है, ले हम नहीं गए हैं, एक महीने हो गए हैं अभी यहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पर जाना है। तो अब देखो सुबह की बस पकड़ेंगे तो जाएंगे, किसी दिन मौसम साफ़ होगा तो उसी दिन चल देंगे। और बैठे हुए थे नहा धो के चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर हम निकल और खाना भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स ये है सुबह का, तो कपड़े रात में बारिश सी हो रही थी, तो कपड़े मैंने सारे अंदर डाल दिए थे, तो सूखे ही नहीं थे, तो वही मैं देख रही थी कौन कौन से कपड़े सूख गए हैं, जो कपड़े सूख गए हैं तो उनको अंदर टांग देती हूँ, और बाकी कपड़ों को जो गीले हैं उनको बाहर टांग दूँगी, तो बस वो तय करके मैं रख रही थी। इसके बाद मैंने सोचा चलो बेड सही की चा बेड शीट सही कर देती हूँ, और उसको हटा के सब कपड़े वगैरह पड़े थे सब तय करके एक तरफ रख देती, जो सूख गए थे कपड़े, तो मैंने कहा चलो इनको भी रख देती हूँ। और मैं सोच रही थी हरिषठ की पूजा आपको दिखाऊंगी, लेकिन नहीं दिखा पाई, क्योंकि ऐसी परेशानी हो आ जाती है कभी कभी कि नहीं हो पाता है, शायद इतनी कोशिश करो लेकिन नहीं हो पाता है, तो वही मैंने कहा कि चलो जो भी है तो जैसा भी है, तो दो तीन दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो उससे बात कर लेती हूँ, और क्या बताऊँ, हर ये तो समस्या लगी ही रहेगी, एक दो साल से हो गया ऐसी परेशानी है,
कभी ना कभी तो हर समस्या का समाधान तो होता ही है, तो ऐसा है तो है ही नहीं कि कभी भी समस्या का समाधान ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो ज़िंदगी में हर की ज़िंदगी नॉर्मल होती ही है, आज नहीं तो कल तो होगी ही फ्रेंड्स। तो अब हम साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गए हैं, बस अब निकलने वाले हैं फिर अपने, हाँ हमारा काम है फिर काम के लिए निकलने वाले हैं। एक हफ्ते से हो गया ऐसे ही घूमते, इतनी धूप रहती है, कभी कभी सर दर्द करने लगता है, लेकिन क्या करें मजबूरी है तो फिर वो तो जाना ही पड़ेगा। और ये मैं सब कपड़े इनको अंदर डाल गई थी, मैंने कहा अचानक बारिश आ जाएगी तो फिर गीले हो जाएंगे सब कपड़े, तो ये शाम को मैंने उठा लिए, थोड़ी देर घंटे खान बाहर डाले रहते धूप लग गई थी, फिर मैंने अंदर डाल दिए। और शाम को आ गए हम वहाँ से, तो बस मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने कहा साफ कर देती हूँ और इसके बाद फिर चाय वाय बनाएंगे, क्योंकि जब आए थे दोपहर में, दिन भर सुबह 8 बजे आज निकले थे, आज तो खाना भी नहीं खाया था, नाश्ता करके निकल गए थे और 4 बजे लौटे थे, सारा दिन लग गया था लेकिन काम अभी हो ही नहीं पाया। फिर जाना है दूसरे दिन जन्माष्टमी थी, छुट्टी पड़ गई तो फिर एक दिन नहीं जाएंगे, इसके सैटरडे संडे पड़ रहा, फिर मंडे को जाना है, देखो अब क्या होता है कैसे भी है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है इस समय, तो इसीलिए नहीं डाल पाती हूँ ब्लॉग। तो बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा।